भी आवाज आ रही है। मरोश ना पकड़ो। देखा उसे अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्लाह पाक के फजल करम से। मेरी दुआ है कि मेरे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, समझते मुस्कुराते रहें और अल्लाह पाक आपको सेहत दे और तंदुरुस्ती दे और हर बीमारियों से महफूज रखे, जो देश प्रदेश में अल्लाह पाक सबको और अपनी जुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आप लोगों से छोटी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो के साथ भी रहना है। तो आज मैं बना रही थी दोपहर के लिए आलू और मटर का पुलाव बना रही थी। और जैनब मरोश ने दोनों ने मुर्गियां बाहर निकाली हुई हैं, अभी उनको पिंजरे में बंद कर रहे हैं। ये इतना शोर मचा रही है। ये जो अगर ये है कि जैनब मरोश से ज्यादा वो शोर नहीं मचा रही। मरोश और वैसे सारे कबूतर। मैं घर मरूं जा रही हूं। बहुत ठंडा है तो सदा है। दूरी दे वो आज जो जैनब है साथ साथ जो है ना हेल्प करवा रही है, थोड़ा मेरी तबीयत सही नहीं थी और जैनब और मरोश की फरमाइश पे ये चावल बन रहे हैं दोपहर को। मरोश ऐसे नहीं पकड़ने, ये उड़ जाएंगे बेटा। मैं सिंपल से जो चावल बना रही हूँ वो सिंपल से बना रही हूँ, बच्चे हैं ना खाने वाले इस वजह से ज्यादा मसाले वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं डाल रही। अभी स्नैन शान जो है ना वो अंदर बैठे हुए हैं खामोश हो गए, तो अभी अभी दोनों उठे हैं। अब मरोश के काम देखो, मरोश जो है ना दुपट्टा लेके फिर कबूतर को पकड़ रही है, पता नहीं ये क्या कर रही है। अभी जाना है इन्होंने ट्यूशन, तो मैंने कहा फौरन से खाना बना लेती हूँ दोपहर का, खाना खा के फिर ये चली जाएंगी ट्यूशन, ले जाएंगी ये सिपारा पढ़ने के लिए।
अब हमने इसके में मसाले डाले हैं, आलू डाले हैं, अब ये बन गए हैं। मारो चावल खा लिए तुमने? मैं चावलों में सिरका वगैरह बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करती, तो मैं डालती हूँ लीमो का रस। आसान रख दो, हाँ गाड़ी पे चलते हैं बेटा। जो मेरे सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, तो बहुत कि ज्यादा उनकी ज्यादा मेहरबानी होगी। तो ज्यादा से ज्यादा हमारी सपोर्ट करें, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियां दूर करे। हाँ जी, मेरा स्नैन खा रहा है। चल मारुष। हाँ जी, ये भी लो। हमारा मटर और आलू वाला पाव जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, अच्छे तरीके से। और ज़ैना मरुज दोनों खा रही हैं, और आसान हसनैन आसान जो है वो बाहर घूम रहे हैं। आपको पता है वो नहीं खाते, मिर्चों वाला पुलाव होता है ना, वो इस वजह से जिसे उसको पसंद हो वो जल्दी से आ जाए, ऐसा ना हो कहीं ठंडा हो जाए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अपना, गाँव में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।